है, डिंपल आई और शिवपाल यहाँ कैंप करके रहे, फिर रामगोपाल जी यहाँ पे रहे, तो कहीं ना कहीं सपा को ये अपना गढ़ बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और इस मेहनत का नतीजा कि दिनेश लाल यादव ने मजबूर कर दिया कि इतनी मेहनत सपा के कुनबा करे, तो दिनेश लाल कहीं ना कहीं हावी रहे। और लेकिन इस बार का देखा जाए, अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए बहुत ही टफ है, दोनों को अपनी अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हैं। अब ये देखना है कि आज ईवीएम में कैद इनका भाग्य 4 तारीख को किसके पक्ष में जाता है। हाँ बिल्कुल संदीप, अब देखना यही होगा कि 4 तारीख के जो नतीजे हैं वो क्या कुछ सामने निकल कर आते हैं। मनु प्रतापगढ़ में क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, अगर बात मुद्दों की करें तो क्या लोकल मुद्दे इस बार ज्यादा प्रभावी है? हालांकि मैं आपको बता दें कि वह लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं। वहीं बात की जाए जो जनता का विरोध था, जो विधायक का विरोध था, पूर्व कैबिनेट मंत्री का, जो कि सत्ता के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, वह पूर्व विधायक थे। और ठीक है मनु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इश्यू होगा, तब तक देवेंद्र आपका रुख करेंगे और आपसे समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि पूर्वांचल की जब बात होती है तो जौनपुर जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हॉट सीट है और वहां पर तमाम ऐसे बड़े चेहरे जिनमें से एक धनंजय सिंह का भी चेहरा रहा है इस बार का समीकरण, क्योंकि एक तरफ जहां पर बसपा से टिकट मिला, टिकट कटा, ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को समर्थन देना, ऐसे में आज जो धनंजय सिंह के समर्थक है अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे में नतीजे उसी पक्ष में जाते हैं, क्योंकि किसकी बयार बह रही है जौनपुर में और क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है ये भी समझने का प्रयास आपसे करेंगे। आपको बता दें कि जौनपुर लोकसभा में जिस हिसाब से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी शीतला धनंजय का बसपा से टिकट मिलना और टिकट रातों रात कटना, कहीं ना कहीं और जिस हिसाब से कटने के बाद अपने समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, ऐसे में अब बड़ा फैक्टर होता है कि धनंजय कितना प्रभावशाली अपने समर्थकों कर सकते हैं कि कृपा शंकर सिंह के पक्ष में अपना मत दिला पाए। यह बड़ी चीज है क्योंकि धनंजय सिंह के पास काफी अपने समर्थक है, काफी बड़ा चेहरा है, सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और उनके कहने पर वो भी करते हैं। अब देखना यह है कि क्योंकि वोट अपना चुनाव लड़ना और वोट दिलवाना यह बड़ा फैक्टर होता है, अगर धनंजय सिंह कहीं चुनाव लड़ते तो उनके उनके जो समर्थक उनको वोट देते, लेकिन कहीं ना कहीं वोट डाइवर्ट करना यह बहुत बड़ी चीज है। अब देखना यह है कि कृपा शंकर सिंह के पक्ष में अपना वो डाइवर्ट करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, यह तो आज मालूम होगा, उसके बाद 4 तारीख को मतगणना के बाद मालूम होगा। लेकिन जिस हिसाब से धनंजय सिंह लगातार कृपा शंकर सिंह और बीपी सरोज के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाजपा को ही अपना मत दीजिए, ये दोनों लोग सांसद बनकर विकास कार्य करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से योगी सरकार है यहाँ पर विकास कार्य करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, आपको बता दें, मुद्दा यह है कि यहाँ विकास कोसों दूर है, क्योंकि यहाँ से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव थे, इन्होंने 5 साल तक कोई भी कार्य नहीं किया जिससे जनता इनको पूरी तरह से नकार रही है। वहीं आपको बता दें बाबू सिंह कुशवाहा जो बाहरी फैक्टर है कि बाधा के रहने वाले हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या जौनपुर की जनता में के एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वहीं कृपा शंकर सिंह के साथ भी यही है कि वो उनकी पूरी राजनीति मुंबई कर्मभूमि रही है, लेकिन हाँ हालांकि निवासी यहीं के हैं, लेकिन यहाँ की जनता उहापोह में है कि आखिर में किसको चुनाव जिताएं जो हमारे सुख दुख और में रहे और विकास कार्य करे। लेकिन लगातार जिस हिसाब से कृपा शंकर सिंह का शुरुआती में विरोध हुआ, कहीं ना कहीं भाजपा के जनप्रतिनिधियों में अंतर्कलह देखा गया। वहीं आपको बता दें कि मछली शहर से भी यही हाल है, लगातार बीपी सरोज का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि यूपी में एक बुलडोजर बाबा है और मछली शहर में एक SC ST बाबा है, इसको लेकर लगातार वहां के मतदाताओं में काफी नाराजगी देखी गई। ठाकुर मतदाता खुल के उनका विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण मतदाता खुल के उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में बीपी सरोज की जीत की राह आसान नहीं, क्योंकि प्रिया सरोज वहां से इंडिया गठबंधन की हैं, अब सब लोग उनको प्रिया सरोज को समर्थन करें। जी ठीक है, आपके पास लौटते हैं फिर से देवेंद्र। संदीप, अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर दिनेश लाल निरहुआ जो चुनावी मैदान में है और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है, दोनों के बीच कितना मुकाबला दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को अपनी सीट पर लीड बरकरार रखना है जो उपचुनाव में जीत हासिल की, और भाजपा के लिए सीट कितनी महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया इस लोकसभा क्षेत्र में। और अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं,
तो समाजवादी पार्टी की जो अगर बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको बचाए रखना भी धर्मेंद्र यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुकाबला कैसा है दोनों के बीच में? लेकिन मुकाबला अगर इस लिहाज से देखा जाए कि ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की धरती है, यहाँ से अखिलेश भी संसद का रास्ता देख चुके हैं, तो सही बात है। इस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी चुनौती मानी जा सकती है, कंधे पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है धर्मेंद्र यादव के। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखिए किंग मेकर बन के उभरे हैं गुड्डू जमाली। अगर ये चुनाव लोकसभा का है और गुड्डू जमाली की बात ना हो तो ये चुनाव मुझे नहीं लगता कि सही माने में कहा जा सकता है कि एक तरफा या हो सकता। देखिए गुड्डू जमाली पिछले उपचुनाव में जीते लड़े थे 2,66,000 के लगभग वोट पाए थे, और आज के समय में वो सपा का दामन थाम के MLC बन के विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सपा मजबूत दिख रही है गुड्डू जमाली के थ्रू। गुड्डू जमाली पूरी तरह से सपा के साथ है, उनका अगर वो बसपा से चुनाव लड़ते बसपा का एक अपना वोट बैंक निकाल दिया जाए फिर भी अपना गुड्डू जमाली का एक व्यक्तिगत वोट है वो समाजवादी के साथ है। तो समाजवादी कहीं ना कहीं 8,000 के अंतर को भर के लीड में अगर उस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है। तो समाजवादी मजबूत तो है लेकिन इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि दिनेश लाल कमजोर पड़ गए हैं या हल्के, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दिनेश लाल का जो 16 महीने का काम है वो लोगों को दिखा है और वो हमेशा से यहाँ जनता के बीच में बरकरार रहे, उनके सुख दुख में गए, तो जनता हमेशा ने कहीं ना कहीं ये कह रही है कि भाई हमको तो वह सांसद चाहिए जो हमके मौजूदा समय पे मिल जाए। तो ये दिनेश लाल के साथ ये जुड़ा है। संदीप, अगर BSP का यहाँ जिक्र करते हैं तो BSP भी चुनावी मैदान में है, तो हाथी किसकी फसल यहाँ पर खराब कर सकता है इसका जिक्र भी जरूर करिए क्योंकि बसपा का भी अपना एक वोट बैंक है। का वोट बैंक है वो तो जो पार्टी यहाँ से लड़ रही है मसूद अहमद लड़ रहे हैं यहाँ से, और उसके लिए भी पहले बसपा ने उनकी पत्नी को दिया फिर उनका रातों रात टिकट काट के उनके पति को दिया, तो उनका वोट बैंक जो है वो तो उनके साथ ही रहेगा। अगर अब ये है कि अगर हमें जीतना है तो बसपा का वोट बैंक जो है सपा को और भाजपा दोनों को अपने पाले में करना है। अगर वो वोट अगर भाजपा अपने पाले में बसपा का वोट बैंक कर लेती है तो वो सीधा सीधा टक्कर देती है सपा को, और सपा के साथ गुड्डू जमाली है तो कहीं ना कहीं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात करेंगे और लोगों को धर्मेंद्र के लिए वोट करने के लिए कहेंगे। तो अगर ये सबसे बड़ा ये है कि अगर बसपा का वोट कन्वर्ट होता है जिसके पाले में जी विजयश्री उसके साथ रहेगी। ठीक है संदीप, क्योंकि आपने समीकरण पूरा अच्छे से समझाया है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। मनु, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से अभी संदीप जिक्र कर रहे थे बसपा की भूमिका को, ऐसे में अगर प्रतापगढ़ में समझने का प्रयास किया जाए क्योंकि मुकाबला हर जगह भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन यानी NDA और इंडी गठबंधन में देखने को मिल रहा है, लेकिन बसपा की जो भूमिका रही है और मुख्य तौर पर इन 14 सीटों में से 4 सीटें तो बसपा के कोटे में गई थी 2019 में, ऐसे में अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो बसपा कि क्या कुछ भूमिका इस चुनाव में आपको देखने को मिली है? प्रत्याशी हैं प्रथमेश मिश्रा हैं जो कि वो हाईकोर्ट लखनऊ का नियुक्ता हैं। वही बात की जाए इनके पिता जो हैं कि भाजपा के कौशाम्बी के प्रभारी बनाए गए हैं तो वहीं जहां बसपा के प्रत्याशी उनके बेटे बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जनता का कहना है कि वह डमी कैंडिडेट हैं, हालांकि भाजपा ने उनको उनके पिता को पार्टी से नहीं निकाला, उसके बाद भी उनके पिता ने भाजपा का प्रचार करते रहे, एक तरफ बेटा बसपा का प्रचार करता रहा प्रत्याशी बने रहे। तो बात की जाए जहाँ 2022 में वह उन्होंने कुंडा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, उसके पहले वही उनके पिता जो है वह सेनानी थे और बसपा से चुनाव भी लड़े थे, उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं बात की जाए उनकी माता जो है वह भी बसपा से चुनाव लड़ी थी, हार का सामना करना पड़ा था। वही बात की जाए लगातार प्रथमेश मिश्रा उनकी माता और उनके पिता लगातार चुनाव लड़ते आए हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता का कहना है कि प्रथमेश मिश्रा जो है वह डमी कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं बात की जाए प्रतापगढ़ में
भाजपा और इंडियन गठबंधन का जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, तो वही बात की जाए तो जो रामपुर खास के प्रमोद तिवारी हैं और प्रतापगढ़ के कुंडा के बाबोली विधायक हैं, इन दोनों लोगों के दांव साग पर लगे हुए। तो भाजपा प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता है जो कि लगातार इनका विरोध हो रहा है, इनका रोने मंच से रोने का